और यार सही में लॉल हो गया छोटा सा ना, पता ही नहीं चला बॉर्डर कब क्रॉस कर लिया। अंगूठा ले ले भाई, मैं जाऊंगा पहले। और हमें हो रहा था फोमो भाई, और एंजॉय करा जाए इस वेदर को अच्छे से। कि भाई अपनी ये खड़ी गाड़ी, ये है गैंगस्टर वेलार। और ऐसे कुछ नजारों के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वो आ गई भाई अपनी गाड़ी, आए एकदम सेक्सी ही तो लगती है। So guys, कल रात को यहीं पर ही हमने कैंप कर लिया था एतरतात में, एंड सारी रात बारिश हुई है। बारिश होने के बाद भाई बिल्कुल हम कैंप साइट के अंदर ही थे। तो इस टाइप ऑफ कैंपिंग को बोलते हैं वाइल्ड कैंपिंग। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है, ग्राउंड में सारे सारे लोगों ने अपनी कार्स लगा रखी है, यहीं पर ये पार्क करके यहीं पर ही सोए थे। दिस इज द व्यू जहाँ पर आज हम उठे हैं। एंड भाई मैंने चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहनी हुई है, घास एकदम नम हो रखी है जैसे अपने गांव में होती है, और मजा ही तो आ रहा है। तो अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और यहां से चलते हैं वही हाइकिंग के लिए, एंड अपने हाइकिंग वाले शूज भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने नए नए शूज लिए थे हाइकिंग के यूके से, डीकैथलॉन से। तो उनको भी टेस्ट कर लेंगे कि कितने कंफर्टेबल है या कैसा है उनका। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो भाई आज हो गई है अगस्त 12 एंड हम हैं यहाँ पर एतरतात में। एतरतात बेसिकली आपका नॉर्दर्न फ्रांस में पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्लिफ्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हाइकिंग होने वाली है। तो भाई मैं तो अपना बैग पैक करके निकल चुका हूँ, पूरा का पूरा रेडी हूँ भाई, शॉर्ट्स पहन लिए थे। एंड आपको दिखा दूँ भाई, ये मेरे हाइकिंग शूज़ हैं, बिल्कुल आज ही इनका टेस्ट होगा, पहली बार मैंने उठाया है। मौसम भाई 19 डिग्री हो रहा है, बट बादल हर जगह, बादल ही बादल, बादल ही बादल। वहाँ पर हमने कैंपिंग करी थी सारी रात, यहीं पर ही सोए थे। अब यहाँ से चलते हैं आगे शहर की तरफ, शहर ज़्यादा दूर नहीं है, शहर पास में ही है, तो यहाँ से पहुँचते हैं और अब आपको मिलते हैं शहर के अंदर। कल जब यार हम आ रहे थे यहाँ पर, तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा फेमस जगह होगी। हमारे को लग रहा था कि हमने ये एक अलग से ये जगह ढूंढी है, बट यहाँ पर आने के बाद इतने सारे लोग आ रखे हैं भाई यहाँ पे आरवीज चेक करो एक मिनट के लिए, पूरे के पूरे लॉट में आरवीज हैं, गाड़ियाँ हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है यहाँ पे पूरे के पूरे फ्रांस में है। तो यार जैसे आप देख ही रहे हो कि मैं अकेला ही यहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि वरुण मेरे साथ है नहीं और राहुल भाई अपनी साइकिलिंग करने निकलने वाले थे। तो उनका साइकिलिंग करने का विचार था, क्योंकि भाई वॉकिंग करने से वो थोड़ा सा कतराते हैं। वरुण इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि भाई उसके सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात भाई उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उस वजह से उसको कल रात को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाया सारी रात। साथ ही साथ मैं भी नहीं सो पाया, एंड इसी वजह से भाई थोड़ी सी वीडियो हमारी डिले डली। जो ये दो पुतले हैं, मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि भाई ये एक्चुअली में कोई लोग खड़े और मैं यहाँ पर आकर रुक गया। फिर जब मैं थोड़ा सा पास आया, तब जाके पता चला कि भाई यहाँ पर ये दोनों पुतले हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पहले इन्होंने ये पुतले बना रखे, ताकि अगर रात को अगर कोई आए तो उसको इस चीज़ का भुलेखा हो और वो आराम से यहाँ पर एक हल्का सा स्टॉप ले और फिर यहाँ से आगे बढ़े। और थोड़ी दूर चलकर यहाँ पर भाई पूरा का पूरा इनका टाउन आ जाता है। टाउन तो भाई मतलब देखने वाला ही है, मतलब मज़ा आ गया इस टाउन को देख के। इसको देखो, जैसे ये छोटा सा भाई पपी है जी बिलारा तो भाई यहाँ पर ये देखो भाई, ये है टाउन इनका। टाउन का जो मेन सेंटर है वो यहाँ पर ही पड़ता है, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर भाई। ये पूरी की पूरी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की पूरी इमारतें। तो ये पता चलता है कि भाई ये यहाँ पर सारी सारी पीछे बसावट है, यानी बीच में दुकानें हैं, दुकानों के ही बीच में यहाँ पर ये ट्रेन स्टेशन है, इनका म्यूजियम है। इस ट्रेन की राइड भी होती है, बट छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो ऑब्वियसली बात है भाई हम जैसे नहीं घूम सकते। तो भाई मौसम का तो क्या ही कहना, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मौसम ऐसे चेंज हो रहा है जिसकी हद नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। जो कैंप साइट से निकला था तो थोड़ी सी ठंडी थी, थोड़ी सी वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे ही टाउन में आया, इतना ज़्यादा मेरे को पसीना आना लग गया, जैकेट उतार के भाई बैग में रख लिया। बैग में मेरे पास 4-5 एसेंशियल्स हैं, जो ऑब्वियसली बात है हर टाइम मैं हाइकिंग के टाइम पर रखता हूँ। एक तो भाई यहाँ पर छाता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरी चीज़ भाई अपनी प्रोटीन बार, तीसरा पानी और एक पावर बैंक। ये 4-5 चीज़ें मैंने रखी हुई है, और इसके बाद हम चल रहे हैं आगे की तरफ। वैसे देखा जाए तो इस शहर में क्लिफ ऑफ अवेल के अलावा और कुछ ऐसा है भी नहीं, बट जो क्लिफ ऑफ अवेल है वो खुद ही इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, इतना ज़्यादा मतलब सीनिक व्यू पॉइंट है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे शहर की इकोनॉमी एकदम से बूम कर गई है। वो है भाई क्लिफ ऑफ अवेल। यहाँ पर इतने सारे होटल्स हैं जिसकी हद नहीं है, और सारे के सारे होटल्स खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि इस समय हम पीक सीजन में हैं, यूरोप में घूम रहे हैं, फ्रांस में घूम रहे हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब मध्यम सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बट हाँ ठंड नहीं लग रही है। ये देखो भाई कितना पुराना होटल है यार, और नीचे इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा, और वहाँ पर भाई थोड़ी सी नई नक्काशी के साथ आपको दिख जाएगा, तो पहले की प्राचीनता। बट ऐसी ऐसी इमारतें यार, अगर आप बिल्कुल ही वेस्टर्न और बिल्कुल ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हो, तो एक अलग तरीके का ना एहसास कराती है कि हमारी जो रूट्स हैं वो सारी की सारी सेम थी, सारी की सारी सिमिलर थी। जहाँ जहाँ पर इंग्लिश राज था भाई, वहाँ वहाँ पर ऐसी ऐसी इमारतें बनी हुई थी। इन लोगों ने थोड़ा सा आगे डेवलपमेंट के टूवर्ड्स काम कर लिया, हम थोड़े से पीछे रह गए, बट हम ज़्यादा पीछे भी नहीं है। सारे के सारे यहाँ पर सोविनियर्स लगे हुए हैं, ऐसी क्लिप्स हैं भाई यहाँ पर जो कि अभी हम देखने वाले हैं।
ऐसा कुछ क्लिफ का नजारा आएगा। और राहुल भाई होते तो भाई सुबह सुबह ही बोल देते चलो यार आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि भाई उनको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं ही मेरे ही शुगर टूथ है, बट उनके तो मेरे से भी ज़्यादा शुगर टूथ है, और साथ ही साथ वो मोटे भी मेरे से ज़्यादा ही हैं। और वहाँ से निकल के ये नज़ारा है भाई, वो देखो वो रही भाई वहाँ पे पीछे क्लिफ, तो यहाँ पर इस तरफ पे भी एक क्लिफ है, और पूरा का पूरा पानी देखो यार, पानी देख के मेरा तो सच में मन करता है कि मैं उस पानी के अंदर कूद जाऊँ। और एक उस तरफ क्लिफ है, वो वाली जो क्लिफ है बिल्कुल ही हाथी की तरह लग रही है, जो अपना यूके में जो वर्ल्ड्स एंड है ससेक्स में, उसी की ऑलमोस्ट उसी की तरह है ये। तो ससेक्स हम कवर नहीं कर पाए तो आज यहाँ पर आ गया। तो यार उस तरफ जाने से पहले मेरा एकदम से विचार चेंज हो गया, और मेरा पहले मन कर रहा है इस वाली क्लिफ पे जाने का। इस वाली क्लिफ से वहाँ का नज़ारा लेते हैं और फिर उस वाली क्लिफ पे जाके देखते हैं कि आखिर में लगता कैसे है वहाँ पर पहुँचना। तो पहले यहाँ चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद फिर वहाँ चलते हैं, और होपफुली जब तक ये लोग आ जाएंगे तो भाई हम आराम से फिर यहाँ पर तैराकी भी कर लेंगे। थोड़ी देर पानी के पास बैठने के बाद जो मतलब सुकून मिला ना, उसकी तो बात ही अलग है। अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पे एक छापल भी है, नोत्रदाम दलग गार्दे, तो यहाँ पर भी चलते हैं यार, ऊपर ही है ये, ऊपर चलते हैं। और ये रास्ता देखो यार, रास्ता तो लिटरली ऐसा बना रखा है कि किसी फोर्ट की एंट्री हो। साइड में भाई कुछ बेवकूफ़ लोगों ने अपनी नक्काशी कर रखी है, पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों करते हैं। यहाँ पर भी हैं भाई कुछ ऐसे ऐसे लोग। भाई इस एडवेंचर पे कुछ हो चाहे ना हो, मेरे को एक चीज़ पता है कि मेरी काफ ज़रूर बन जाएगी और मैं दोबारा से अपनी शेप में आ जाऊँगा। पीछे देखो मेरे व्यू। सो ये रहा पूरा का पूरा एतरताज शहर, और यहाँ से बिल्कुल राइट जाते ही आपको देखते हैं क्लिफ ऑफ वेल्स। तो ऊपर आना जितना मुश्किल था, मेरे को नहीं लगता नीचे जाना उतना ही मुश्किल होगा। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं, सीधा वहाँ बीच पे चलते हैं जहाँ से अभी हम आए थे, उसी बीच को सीधा क्रॉस करते हुए अब दूसरी साइड पे चलते हैं। एंड इफ़ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल यार, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो हमारी ट्रिप शुरू हुई है, तो ऐसे ही बहुत सारी खूबसूरत जगहों पर आपको लेके चलेंगे। तो यार ऊपर चढ़ना जितना ही मुश्किल था, नीचे आना उतना ही आसान है। और वहाँ की क्लिफ और वहाँ की हाइकिंग देखते हुए मेरे को लगता है कि वहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी ऊपर जाने में। तो भाई वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्पीड कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बट ऊपर चलते हैं वहाँ तक, और फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है। बस ठीक इसी जगह से जो मोनेट एक बहुत ही बड़ा पेंटर था, उसने यहीं से ही जो एतरनाथ है, जो अवेल क्लिफ्स हैं, उसकी यहीं से पिक्चर्स बनाई हैं एंड एवरीथिंग। यार जहाँ जहाँ पर पानी होगा वहाँ वहाँ पर बोट्स तो होंगी। अब इस पानी को देख के मेरे को सच में ना अपनी जेट स्की का बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यहीं पर ही जेट स्की चलाते, उतारते यहाँ से एंड पानी के अंदर जेट स्की लेके घूमते। ये वो बंकर्स है जो नाजी फोर्सेस ने अपने लिए बनाए थे एलाइड फोर्सेस को पीछे धकेलने के लिए। तो यहाँ पर ये इन्होंने टनल बनाया था, नेस्ट ऑफ मशीन गन, तो यहाँ से मशीन गन्स निकलती थी एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो इन्होंने करा था, क्योंकि उन्होंने दूसरी जो पोस्ट थी वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी इन्वेड कर दिया था, तो 1944 में जो नाजी लीडर था यहाँ का, उसने ऑर्डर दिया था कि वहाँ पे जितनी भी होटल, जितनी भी क्लिफ्स के ऊपर उस साइड में जितने भी होटल्स हैं उन सब पे बॉम्ब गिरा दो, ताकि वहाँ से कोई इधर फायर ना कर सके। यहाँ पे पूरी की पूरी ओपनिंग हुआ करती थी, और ऐसे काफ़ी सारे इन्होंने पोस्ट बनाए थे यहाँ पर पूरी की पूरी क्लिफ के अंदर। 19 कॉन्क्रीट बंकर्स यहाँ पर इन्होंने बिल्ड करे थे, जिनमें से एक ये है और एक बिल्कुल मेरे सामने वो रहा। तो ऐसे 19 पोस्ट बना रखे इन्होंने यहाँ पे पूरी की पूरी क्लिफ के अंदर, ताकि कोई भी यहाँ से इन्वेड ना कर पाए। क्योंकि कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया था जहाँ पर कि ओमाहा बीच के जो डी डे जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें जितनी भी अलाइड फोर्सेस थी वो सारे साथ मिलकर उन्होंने नाजी फोर्सेस को इन्वेड कर दिया था, वहाँ पर लैंडिंग हुई थी। तो उसी की वजह से, उसी को प्रिवेंट करने के लिए कि आगे ना हो, नाजी फोर्सेस ने यहाँ पर काफ़ी सारे बंकर्स क्रिएट करे थे, प्रॉपर कॉन्क्रीट वॉल्स बना रखी थी ताकि कोई भी यहाँ अंदर घुस ना पाए। एंड ये देख लो पूरा का पूरा इस तरीके से बना रखा है कि यहाँ पर सोल्जर्स खड़े हो जाए, सोल्जर आराम से यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट फील करे। अभी तो हम सिर्फ हाफ वे थ्रू आए हैं एंड नज़ारा देखो यार, अलग ही है भाई। भाई साहब सांस चढ़ गए, बट बता रहा हूँ ये जो है ना व्यू, इसको देखने के लिए आए हैं यहाँ इतनी ऊपर। ये देखो भाई क्या व्यू है, ठीक है, वेल वर्थ। ओह, और नीचे देखो प्रॉपर ऐसी क्लिप्स है। वरुण कह रहा था यहाँ से कूदना है, नहीं होगा भाई यहाँ से कूदना, इसकी नीचे की डेप्थ नहीं पता मेरे को कितनी है। कूद तो मैं जाऊँ, बस डेप्थ नहीं पता, कहीं मतलब नीचे जाऊँ टांग टूंग तोड़वा लूँ। हो मज़ा आ गया भाई, मतलब इस व्यू के लिए इतनी बड़ी हाइक करी, इतनी लंबी हाइक करी। वैसे लंबी नहीं थी, बट पूरी एलिवेशन इतनी एकदम 45 डिग्रीज के एंगल पर पूरी एलिवेशन थी।
अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ से दोबारा वापसी नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाने के बाद स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग करने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और उसको बोल देंगे भाई गुड मॉर्निंग। यहीं बैठ जाते हैं भाई थोड़ी देर के लिए, भाई हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़। हाँ कैमरा मतलब अगर मैंने नीचे ट्राईपॉड पे लगाया ना तो आई कैन गारंटी यू कि कैमरा वहाँ नीचे जाता दिखेगा और फिर मैं वहाँ से उसको रिकवर नहीं कर पाऊँगा। तो इसको हाथ में ही पकड़ लेते हैं। वहाँ देखो कितने सारे लोग वहाँ पर हैं, मैं बता रहा था ना ये प्रॉपर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है भाई अपने फ्रांस की। अपने कनाडा में भी सिमिलर ऐसी थंडर बे में एक क्लिफ है द एलिफेंट पीक, साथ ही साथ ऐसे जो माउंटेंस है ऐसी जो वाइट रॉक जो क्लिफ्स है ये अपने इंग्लैंड में भी है डोवर में, जिनको आप बोलते हो वर्ल्ड रेंट ससेक्स करके, और ऐसा ही कुछ भाई हमारे बाली और थाईलैंड वाली साइड पर भी है। भाई इतनी हाइक करने के बाद एक प्रोटीन बार तो बिल्कुल बनती है। तो यार अब इस व्यू को करते हैं अलविदा और यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, आगे तो नहीं बेसिकली नीचे की तरफ, एंड आप लोगों से मिलते हैं सीधा नीचे। चढ़ाई यार हमेशा ही मुश्किल होती है और उतराई बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। सेम प्रिंसिपल हमारी ज़िंदगी में भी लागू होता है, हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा एक ही चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हम कल से बेहतर है। तो भाई राहुल भाई तो आ गए नीचे, वरुण अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा, उसका भी फ़ोन आ गया, उसकी तबीयत एकदम ठीक है, वो भी आ जाएगा। राहुल भाई के पास चलते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर चिल विल मारते हैं। भाई भाई तो गया पानी में, अब हम भी चलते हैं यार, बहुत देर हो गई, थोड़ी सी डुबकी शुबकी ली जाए और इन्जॉय करा जाए इस वेदर को अच्छे से। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों डिप तो हमने ले ली भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा पानी है, फुल नमकीन समुद्री का समुंदर का पानी। यार इत्रतात को तो हम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे थे भाई साहब, एक नंबर भरा ही तो पड़ा है चारों तरफ यार, भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग और फुल पावर इन्जॉय चल रहा है भाई, मस्ती ले रहे हैं, सन बात कर रहे हैं। और इसी व्यू के साथ हम चलते हैं आगे क्योंकि भाई और मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, ऐसा कोई कैफ़े ढूंढ के एक बढ़िया से व्यू के साथ कुछ अच्छा सा खाना वाना खाया जाता है, फिर निकलते हैं आगे ब्रसल्स की तरफ। भाई ये बेकरी भी मेरे को अच्छी लग रही है, यहाँ पर पिज़्ज़ा वीज़ा सब कुछ है और भीड़ तो यार भर भर के है, देखो चारों तरफ ना लोग ही लोग, लोग ही लोग, एक नंबर भाई पूरे टाउन की। तो भाई यहाँ पे ना ऑर्डर समझाना एक अलग में टास्क है क्योंकि यहाँ पर लिटरली बता रहा हूँ लैंग्वेज बैरियर तो है, अगर इसके बाद भी अगर आप कुछ कैसे ऐसे करके समझा लो। श्योर भाई, यहाँ ऑर्डर वगैरह दे दिया है, अभी यहाँ थोड़ी देर वेट करते, जैसे ही खाना वाना आ जाएगा वैसे ही यहाँ से निकलेंगे और चलते हुए खाना खाएंगे क्योंकि अब हो गया थोड़ा सा लेट। तो भाई कॉफ़ी तो हमारी आ गई है, अब सिर्फ सैंडविचेस का इंतज़ार है, वही वाली बात है, चिकन सैंडविच मेरा, वेज सैंडविच वरुण का, यहाँ से जल्दी से सैंडविचेस लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यार माइक तो अपना एक ही पता नहीं कहाँ खो गया, एक ही माइक से काम चला रहे हैं, तो भी गाड़ी में जाके ढूंढेंगे, काफ़ी खिचल पिचल हो रखी है, उधल पुधल मचा हुआ है सब कुछ, और हमें हो रहा था फोमो भाई, सारा टाउन ऐसे सैंडविचेस लेके घूम रहा भाई पैदल पैदल, तो हमने भी ले लिए, अब हम भी घूमेंगे, अब हम भी भीड़ का हिस्सा है। तो भाई अब हो गया है समय इत्रनाथ को अलविदा करने का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल सिटी थी भाई, क्या क्लिफ थी, मज़ा आ गया हाइकिंग करने में, मज़ा आ गया यहाँ की जो चैनल सी है उसमें डुबकी मारने में, दो भाई नमक वाला पानी था ऑब्वियसली बात है क्योंकि ओशियन है, बट मज़ा आ गया। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा जाएंगे बेल्जियम की तरफ, बेल्जियम में ब्रसल्स एक शहर है, वहाँ जाके अब अपना अगला स्टॉप होगा। यार फाइनली भाई ने कह दिया बेल्जियन, तो बेल्जियन वॉफल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बेल्जियन वॉफल्स खाएंगे। और यार आज समुंदर में डिप लेके जो मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहे हैं, थोड़ा नमकीन था पानी बट स्टिल इट वाज वेरी नाइस, और अच्छा कोल्ड वाटर था यार, और बिना नहाए धोए फील नहीं बनती, तो नहाना चाहिए डेली क्योंकि यार नहाएंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता ना यार। भाई हैवी ड्राइवर दीवांशु कर रहा है गाड़ी पीछे, अब चलेंगे यहाँ से अपने बाहर की तरफ, वहाँ जाना है हमें, यहाँ से निकालेंगे गाड़ी बाहर, अब रोड पे मिलते हैं आपको और देखते हैं नज़ारे आगे इस शहर के और अपनी जर्नी के। सो इट्स टाइम टू गो और चलते हैं अपनी फुल वही बाऊजी वाली सीट फुल पावर। सो गाइस यहाँ से कुल मिला के 401 किलोमीटर का हमारा रास्ता है, ये मैंने ब्रसल्स डाल दिया है, बेल्जियम हमारी यूरोप की सेकंड कंट्री होगी जहाँ पर अब हमारे को जाना है, वही वाली बात है थोड़े बहुत टोल टैक्स लगेंगे बट बढ़िया समय पे पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 3:07 का एस्टिमेशन दिखा रहा है हमारा गूगल मैप्स, रुकते रुकाते भी जाएंगे तो 8 तक पहुंच जाएंगे वहां पर। Thank you.
यार 2-2.5 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए और अब आके रुके एक ट्रक स्टॉप पे। अब यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यार, टांगे स्ट्रेच व्रेच करेंगे और थोड़ा पानी शानी पियेंगे। मेरा मन कर रहा है एक ठंडी सी कोक खरीदी जाए, तो जाके कोक वोक खरीदते हैं और चलते हैं यार फिर आगे यहाँ से तेल वेल भरा के। यार बहुत देर हो गई थी गाड़ी में बैठे बैठे अंदर ना, मैं चाहे थोड़ी देर यार बाहर बैठा जाए, थोड़ा सा इंजॉय किया जाए। यार लगवाया क्यों है यार, मस्त मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के, फुल वाइब चेक और मजा टाउन का पूरा पूरा। वाह वाह वाह, देखो भाई, ओ हो वाह 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 वाह। तो भाई निकले हुए 1 घंटा ही हुआ था, थोड़ा सा काम आ गया तो यहाँ पे काम वाम कर लिया, स्टारलिंक भी चेक कर लिया, स्टारलिंक बहुत बढ़िया चल रहा है। कल रात को पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, होपफुली भाई यहाँ पे जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, इस वजह से कल रात को बहुत ज़्यादा बादल थे और बारिश हो रही थी तो उस वजह थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था। बट अब भाई स्टारलिंक एक नंबर दौड़ ही तो रहा है एंड यहाँ से थोड़ी सी देर में निकलते हैं। थोड़ी सी देर में निकलने के बाद बेल्जियम चलते हैं। जैसा आपको दिख ही रहा है कि हम छोटे छोटे टाउन्स में आ गए, तो यहाँ पे एक फीचर है अपने गूगल मैप्स में जहाँ पर आप अवॉइड टोल्स कर सकते हो, क्योंकि टोल बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ रहा था भाई। ऑलमोस्ट कल से लेकर आज तक हमने 11 से 12 टोल दे दिए। 11 से 12 टोल देने के बाद भाई मेरी तो हो गई बस, और मैंने राहुल भाई को बोला कि भाई अब यहाँ से निकलते हैं एंड अवॉइड टोल वाला रास्ता करते हैं, क्योंकि अवॉइड टोल और टोल में ज़्यादा फ़र्क आ नहीं रहा था, क्योंकि हार्डली आधे घंटे का फ़र्क था। मगर कोई बात नहीं, मैं खींच दूंगा गाड़ी। तो छोटे छोटे टाउन्स देखते हुए जा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई, गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 किलोमीटर ऑलरेडी हमारी ट्रिप हो चुकी है। दोस्तों एक छोटा सा लॉल हो गया यार, हम ऑलरेडी बेल्जियम के अंदर है और हमें पता भी नहीं चला, मतलब बॉर्डर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। हम तो चलते चले गए और भाई कब फ्रांस छूटा, कब बेल्जियम आया भाई, उसको मैं पीछे छोड़ आया। और अब यहाँ पर हम अंदर आए हैं, यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप हुआ है, पानी वानी की बोतल वोतल ली है, अब आगे की तरफ जाएंगे यार, ब्रसल्स की तरफ, बेल्जियम में घुसे हैं। सो भाई खा रहे हैं फुल पावर अपनी पेस्ट्री वगैरह, और बेल्जियन वॉफल्स मिलते हैं यहाँ फिर बेल्जियम में बहुत अच्छे, तो वो खाएंगे। और एक और फन फैक्ट यार, मतलब बॉर्डर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, शेंगेन एरियाज़ में बॉर्डर कंट्रोल नहीं होता। सो शेंगेन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब ने ट्रीटी साइन कराया दैट दे विल नॉट कंट्रोल एनी बॉर्डर्स, उनमें कोई बॉर्डर रेगुलेशंस नहीं है, तो आप अपनी ईज पे आ जा सकते हैं। जैसे हमें नहीं पता चला ऐसे ही आप हर देश टाप के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे अपना बाकी सारे बॉर्डर्स होते हैं जो टाइट होते हैं सिक्योरिटी, वो वाला कोई भी हिसाब नहीं है, इट्स वेरी ईजी टू क्रॉस द बॉर्डर्स। सो गाइस बेल्जियम में कोई ऐसा विनियट लेने का कोई ड्रामा है नहीं, बट यहाँ पर एक चीज़ है जो लो एमिशन है, जहाँ हम ब्रसल्स जहाँ हम जाने की विचार में हैं वो है बेसिकली लो एमिशन जोन। तो वहाँ के लिए बस आपको अपनी गाड़ी जो है वो रजिस्टर करानी होती है, हमने वो गाड़ी रजिस्टर करा दी तो वो हमारे को ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, एंड इन्होंने हमारे को डेट दे दी है। बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस था, आप एक वेबसाइट है les.brussels, वहाँ जाए और वहाँ पर अपनी गाड़ी को रजिस्टर करा लें एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो गाइस फाइनली ब्रसल्स आ गए, अभी गाड़ी से उतरने का तो विचार है नहीं, 10 मिनट की और हमारी ड्राइव रहेगी यहाँ पे ब्रसल्स में जहाँ हमारे को जाना है। तो भाई ये लग रहा है कोई शहर इधर उधर, और ये है भाई उड़ता हुआ 1 मिलियन का क्लेम जो कि ब्रेक ब्रूक मार चुका है। मतलब ठीक है ये शहर ऐसा सा लग रहा है, मेरे को थोड़ी हैरी पॉटर वाली वाइब आ रही है। ब्रसल्स पहली बार आए हैं भाई हम, ऐसे तो है नहीं कि कोई ब्रसल्स पहले कभी आए हैं, तो सो फार सो गुड। एंड बिल्डिंग्स दिख रही है तो मेरे को थोड़ी सी वैसी वाली वाइब आ रही है कि चलो यहाँ पर जनता तो होगी, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ से हम आए हैं जितने शहर हमने देखे छोटे छोटे भाई वहाँ तो सब कुछ ही बंद था, यहाँ लाइट्स भी जल रही हैं, बाकी इतने सारे लोग अभी हैं नहीं क्योंकि भाई रात के बज रहे हैं इस समय 9, बात पता नहीं यार 9 बजते ही, मतलब 9-10 बजते ही यहाँ लोगों को क्या हो जाता है भाई, पूरे के पूरे यूरोप में ना आई थिंक ये एक ट्रेंड है कि इन लोगों को मतलब ज़्यादा काम वाम करने का है नहीं, 9-10 बजते हैं और ये अपने घरों के अंदर चित हो जाते हैं। मतलब कि 9-10 बज रहे हैं और आज तो सैटरडे भी है, तो सैटरडे होने की वजह से
थोड़ी तो चहल पहल होनी चाहिए यार। और ये भाई कोई हमारा पुलिती, ये पुलिस वाले भाई, ये पुलिस वाले देख रहे बिना ब्रेक दिए कुछ भी करे, गोल चक्कर के बीच में घुस रहे और फिर उसके बाद अंगूठा दिखा के जा रहे हैं कि ठीक है भाई थैंक यू सो मच, बट अंगूठा दिखाने का मतलब अपनी कंट्री में तो कुछ और ही होता है कि गुठा ले ले भाई मैं जाऊंगा पहले। और भाई सामने आ गया भाई कैफे ल किंग, ये भाई राजाओं का कैफे है यहाँ पर। साढ़े बाइक दे सो यार, एक तो राहुल भाई की नेविगेशन उतनी ख़राब है जितनी दीवानचू की ड्राइविंग, तो ठीक है भाई जैसा अब ये चलता ही रहेगा ऐसा ही यहाँ पे ब्रसल्स के डाउनटाउन में घूम रहे हैं और डाउनटाउन बिल्कुल इनका डेड है फुल पावर। और यहाँ पर हम सोच रहे सैटरडे को पार्टी शार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे तो सब वही वाली बात है, दादी अम्मा वाली एज वाले हैं, 8 बजे खाना खाया सो गए, 4 बजे उठ के दिहाड़ी बजाएंगे। तो कोई बात नहीं यार आगे बढ़ते हैं, कैंपिंग साइट यहाँ से 5-1 मिनट दूर रहेगी तो कैंपिंग साइट देखते हैं। और शहर बाकी शहरों के हिसाब से बहुत बेटर है यार, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा यहाँ पे। और अब देखते हैं यार आगे कैंप साइट में कैसा माहौल बनता है, देखते हैं मेरे हिसाब से वहाँ पर बारबेक्यू करने का सीन बनता है तो वो करते हैं। और अब आपसे मिलते हैं कैंप साइट पे। फाइनली ब्रसल्स में पहुँच चुके हैं हम यार, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, और अब यहाँ पर अपना वही चेक इन कर रहे हैं यार, अपना कोई पार्किंग कैंप ग्राउंड वगैरह सर्च करेंगे। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है क्योंकि भाई अपनी ये खड़ी गाड़ी ये है गैंगस्टर वेलार। और अब हम करेंगे इस व्लॉग को यहीं ख़त्म, कल घूमेंगे ब्रसल्स का टाउन और अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यूज़ ड्रॉप हो रहे हैं तो व्यूज़ ड्रॉप ना होने दे, ट्रिप अभी हाइप पकड़ रही है। टिल देन बाय।